से तोड़ा सबके बुझा ला कि परीक्षा भाई कोनो नौटंकी ना चलता। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। मैं हूं प्रशांत और आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि आपकी जो पार्ट थ्री की परीक्षा जो कि 29 तारीख से जो है शुरू होने वाली है, उसमें आपको जो है अपनी परीक्षा की कॉपी में आंसर कैसे लिखना रहेगा। आपको अपने घर से निकलते हुए जब आप एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचेंगे, परीक्षा केंद्र तक जब आप पहुंचेंगे, तो आपको अपने साथ क्या क्या चीजें जो है कैरी करनी चाहिए और आपको कौन सी गलतियां जो है अवॉइड करनी है आंसर लिखते वक्त अपने कॉपी पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप अगर हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। आप बीए के स्टूडेंट हैं या फिर बीएससी के स्टूडेंट हैं या फिर बीकॉम के स्टूडेंट हैं, आप सभी के लिए जो इस वीडियो में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाएंगी जो कि आपके परीक्षा हॉल में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। और आपको उस टाइम शायद याद आए कि मैंने जो जो चीजें बोली थी वही सेम चीजें जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिले। अब जो कि आपकी ये पार्ट थ्री की परीक्षा होने वाली है, इसमें आपको जो 4 ऑनर्स पेपर का परीक्षा देना है, बहुत लोगों को 3 ऑनर्स पेपर का परीक्षा देना होगा। तो आपको सबसे पहले तो खुद को प्रिपेयर कर लेना होगा, आप लोग प्रिपेयर कर भी रहे होंगे। अब आपका जो है कुछ ही समय बचा है परीक्षा शुरू होने में, और जो एडमिट कार्ड की बात कही गई थी वो आपका एडमिट कार्ड जो है 27 तारीख से आपके कॉलेज में जो है दिया जाएगा। 27 और 28 को जो है 2 दिन समय जो है दिया गया है जिसमें कि आपका एडमिट कार्ड का जो वितरण किया जाएगा। तो इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि आपको अपनी परीक्षा की कॉपी और परीक्षा हॉल में जाने से पहले आपको क्या क्या चीजें साथ लेके जानी है। सबसे पहली बात आती है कि जो स्टूडेंट ब्लैक पेन, ब्लू पेन, व्हाइटनर, पेंसिल का जो पूछ रहे हैं, तो मैं आपको सबसे पहले तो बताना चाहता हूँ। आप यहाँ पे मेरे पास जो 4 पेन देख रहे होंगे, ये एक ब्लैक पेन है और ये तीनों जो है एक ब्लू पेन है। बहुत सारे स्टूडेंट 3 रुपए वाले पेन से लिख रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट इस 5 वाले लिंक पेन से लिख रहे होंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट जो है कुछ ऐसे पेन से भी जो है लिख रहे होंगे, ये भी 5 का पेन है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट 3 रुपए के पेन से लिखते हैं, इसमें एक तो ग्रिप नहीं होती है और आपका लॉन्ग लास्टिंग ये पेन नहीं होता है, बट फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट 3 रुपए वाले पेन से भी जो है कंफर्टेबल होते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप इस पेन से लिख सकते हैं, लेकिन आप जो है बीच बीच में अपना पेन स्विच भी कर सकते हैं, यानी 2 ब्लू पेन है तो देख लेना दोनों वो डिफरेंट ना हो, किसी का ज्यादा गाढ़ा ब्लू ना चल रहा हो, किसी का लाइट ब्लू ना चल रहा हो, ठीक है? तो वो आप देख लेना, जो दोनों पेन कैरी करना वो या तो डिफरेंट ब्रांड्स की कैरी करना या फिर आप सिंगल ब्लू पेन भी ले जा सकते हो, ऐसा कोई उसमें नियम नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं अपने आंसर प्रेजेंटेशन में, लेकिन मुझे जो लगता है कि आप जब भी कभी आप ब्लैक और ब्लू का इस्तेमाल कर रहे होते हो, मतलब ब्लैक पेन से आप हेडिंग लिख रहे होते हो बोल्ड में और आप जो है फिर अंडरलाइन करते हो, उसके बाद आंसर जो है आप ब्लू पेन से पूरा लिखना शुरू करते हो, एक्सप्लेन करना जो ब्लू पेन से शुरू करते हो, तो कहीं ना कहीं ये टाइम टेकिंग होता है कि आप ब्लू पेन का ये या तो ढक्कन हटा के रखोगे, ऐसे कैप ला के लिखने का आदत होगा, तो ये चेंज करने में थोड़ा टाइम टेकिंग रहता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप टाइम को कैसे मैनेज करते हो। 3 घंटे का समय होगा आंसर लिखने के लिए कॉपी के ऊपर, उस 3 घंटे में आपको सब कुछ मैनेज करना है। रही बात इस व्हाइटनर की, तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि व्हाइटनर का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कॉपी के अंदर, तो व्हाइटनर का इस्तेमाल ना करो तो बेटर है, लेकिन बहुत स्टूडेंट कर जाते हैं व्हाइटनर का इस्तेमाल, लेकिन मैं अवॉइड करने के लिए कहूंगा। मान लो कि आप द की जगह एंड लिख बैठे हो तो उसे जो है सिर्फ आप एक लाइन में कट कर देना, ठीक है? और जिससे कि जो कॉपी चेक करने वाले टीचर होंगे उनको ये समझ में आ पाए कि आपने क्या मिस्टेक जो है वहां पर की है। स्केल स्केल सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन कॉपी के ऊपर, यानी कि आपको 1 और 2 स्केल का जो मार्जिन छोड़ना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो 2 स्केल्स का मार्जिन छोड़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट 1.5 स्केल का मार्जिन छोड़ते हैं, तो जो स्टैंडर्ड मार्जिन है वो आप 1 स्केल का छोड़ो या फिर 1 स्केल से थोड़ा सा ज्यादा जो है पेज के ऊपर आप जो है मार्जिन छोड़ सकते हैं। जैसे कि ये एक पेज है, इस पे जो है 1 स्केल मार्जिन इतना है, तो आप जो थोड़ा सा आगे बढ़ा करके 1.5 स्केल जो है आप मार्जिन छोड़ सकते हो, इतना ये आपको तो पता ही होगा, आपने पार्ट 2 का एग्जामिनेशन दिया है। मास्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जामिनेशन में। एक तो चीज ये कि देखो यार, हर किसी का फ्रेंड होगा एग्जामिनेशन हॉल में, या फिर कोई ना कोई आगे पीछे वाले से जो है बात कर ही लेता है, अपने बगल वाली से बात कर ही लेता है, हो सकता है डेस्क बगल में हो या थोड़ा डिस्टेंस पे भी हो, तो ये मास्क बहुत अहम रोल अदा करता है। जब आप ये मास्क पहन करके कुछ बोलते हो, सुनो जरा मुझे कोई क्वेश्चन पूछना है, तो टीचर को पता नहीं चल रहा होता है, लेकिन नॉइस तो हो ही रहा होता है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा मास्क लेके जाना, क्योंकि 2 गज दूरी मास्क है जरूरी और कोरोना वापस आ रहा है, और ये मास्क बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, क्योंकि मैंने जो एग्जामिनेशन दिए हैं ऐसे रिटन पेपर वाले, उसमें मास्क बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है?
पेंसिल पेंसिल ले जाना जरूरी है क्या? अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ले जाना चाहते हो कि नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं जो जूलॉजी के हैं, बोटनी के हैं, जिनको भी फिगर ड्रॉ करना होता है, तो क्या हम पेंसिल से बना सकते हैं? तो आप पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हो, बट मेरा मानना है कि जब भी कभी रशनिंग होता है 1 से 2 पेजों के बीच, है ना, तो शायद कहीं पेंसिल धीरे धीरे टाइम ओवर टाइम पीरियड के बाद जो है वो लाइट पड़ जाता है, ठीक है। और रही बात जो आप एग्जामिनेशन हॉल में ये सारी चीजें लेकर के जाओगे, जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट है उनको कैलकुलेटर उनके हर एक सब्जेक्ट में अलाउड होगा, यानी कि एक स्टैंडर्ड साइज का कैलकुलेटर आप ले लो जो भी अकाउंट्स ऑनर्स वाले हैं। बाकी जो भी बिजनेस फिनांस बिजनेस इन्वायरमेंट, उन लोगों के अगर पेपर में प्रैक्टिकल यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं तो वो लोग भी कैलकुलेटर अपने साथ लेके जाएंगे। लेकिन जो अकाउंट्स ऑनर्स के स्टूडेंट है उनका पहला पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग, दूसरा मैनेजमेंट, तीसरा टैक्सेशन, चौथा बिजनेस मैथमेटिक्स का पेपर होता है, तो उन चारों पेपर में कैलकुलेटर अलाउड होता है। आप एक स्टैंडर्ड साइज का कैलकुलेटर लो जिससे कि ये जो बटन आप देख रहे हो इसे प्रेस करने में आपको आसानी हो और ज्यादा टाइम ना लगे और कोई गलत फिगर ना वो हो पाए, मतलब गलत फिगर यहाँ पे क्लिक ना हो जाए, टिपा ना जाए, ठीक है। और चेक वाला होना चाहिए कैलकुलेटर आपके पास, जिससे कि आप बैक करके चेक कर लो कि भाई आपने जो फिगर ऐड किया है या सब्ट्रैक्ट किया या जो डिवाइड किया है वो फिगर सही है कि नहीं। ये बहुत हेल्प करता है। मैं कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूं तो मुझे पता है कि कैलकुलेटर कितना अच्छा रोल प्ले करता है एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने में। अब रही बात की जो भी स्टूडेंट थ्योरेटिकल अटेम्प्ट करते हैं, क्या जो है स्ट्रैटेजी जो अपनानी चाहिए, तो जो भी स्टूडेंट देखो थ्योरेटिकल लिखते हो, सबसे पहले तो बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल ये आता है कि सर या भैया ये बताओ जो 32 पेज की कॉपी होती है उसमें पेजेस भरना बहुत ज्यादा जरूरी है? तो जी नहीं, पेजेस भरना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मिनिमम कितना पेज लिखना चाहिए? अगर आप थ्योरी लिख रहे हो तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ 22 से 26 पेज, 32 के 32 पेजेस भरने पे भी जो है जो टीचर कॉपी चेक कर रहे होते हैं उनको लग रहा होता है कि इसने सिर्फ बात बनाया है अपने आंसर्स में 32 पेजेस को भरने के लिए। तो क्वालिटी ऑफ जो आपके वर्ड्स होंगे और क्वालिटी ऑफ आंसर्स ही जो है आप अपने आंसर शीट के ऊपर देना, ये नहीं कि कुछ भी जो है लिख देना। कुछ स्टूडेंट ने जो है भोजपुरी का संगीत लिखा था पार्ट टू के परीक्षा की कॉपी में, तो ऐसा भी नहीं करना है। गाली वाली तो बिल्कुल मत लिखना, आप सभी को यही कहना चाहता हूँ। और जो भी भोजपुरी वगैरह गाना का इस्तेमाल कर देते हैं आंसर शीट के ऊपर बिल्कुल नहीं करना है। थोड़ा सबके बुझा ला कि परीक्षा भाई कोनो नौटंकी ना चलता, के लिखे के बाद बढ़िया से लिखे के बाद एकदम सुंदर सुंदर अक्षर में लिखे के बाद, ई ना कि छुछुनर अक्षर में कुछ लिख के चल देला। मतलब केहू केहू के कॉपी हम देख ली कि कुछ बुझाबे ना करे था कि का लिख ले बा का ना लिख ले बा, ओकरा के अगर हम कॉपी दिया पूछी ओकरा से कि तू का लिख ले बारे में तनी हमरा पढ़ के बतावा, तो वो शायद न पढ़ पाई। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाषा कोई भी खराब नहीं है, लिखो लेकिन अच्छे से लिखो जो कि थोड़ा विजिबल हो और पढ़ पाओ। आप अगर हिंदी में लिख रहे होगे किसी क्वेश्चन का आंसर तो अच्छे से लिखो जिससे कि जो टीचर चेक कर रहा है कॉपी उसे पढ़ पाए कि आपने क्या लिखा है। अगर आप अच्छे हैंडराइटिंग में नहीं आंसर लिखते हो, इस केस में आपका कॉपी चेक नहीं होता है, काट के रद्दी के टोकरी में फेंक दिया जाता है या फिर जो आपका नंबर काट लिया जाता है, ऐसा भी होता है, तो ज्यादा पेजेस भरने की भी जरूरत नहीं है। और रही बात की जब आप कभी 2 वर्ड्स लिख रहे हो, ठीक है, जो मान लो 2 वर्ड्स लिखे हो, तो ऐसा भी नहीं करो कि उसके बीच में इतना ज्यादा स्पेस छोड़ दो कि एक और वर्ड उसके अंदर जो आ जाए, या 2 लाइन लिख रहे हो कोई ऐसा, तो ऐसा भी ना करो कि पूरा लाइन जो है छोड़ते ही चले जाओ। गैप जो होना चाहिए आपका वो एकदम बच्चों वाला टाइप नहीं होना चाहिए। आप 1-2 क्लास के स्टूडेंट नहीं है कि आप 1 लाइन छोड़ करके कॉपी भरने के चक्कर में जो है पूरा एक एक लाइन छोड़ कर लिख रहे हो। मतलब 1 लाइन पहला आपका चला, देख लो जैसे कि ये कॉपी है, आप ध्यान देना यहाँ पे, जैसे ये 1 लाइन है ऊपर में, आपने इस लाइन में लिखा, फिर इसी के नीचे वाले लाइन में आप कंटिन्यू करोगे। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि मैं लाइन छोड़ के लिख सकती हूँ या लिख सकता हूँ? लाइन छोड़ के लिखना जो है एक बचकानी हरकत लगती है, क्योंकि आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है, ठीक है, और आपकी कॉपी जो है इस फॉर्मेट में रहती है। पहला पन्ना जो आपका रहता है वो OMR शीट का रहता है जो कि कुछ इस प्रकार का रहता है, ठीक है। तो जो आपको पहले कॉपी दी जाएगी तो आपको सबसे पहले OMR शीट भर लेना है। इसके ऊपर भी हम वीडियो बना करके आपको लोगों को बताएंगे कैसे OMR शीट को भरना है। OMR शीट आपको जो 10 से 15 मिनट के अंदर जो भर लेना रहेगा। ये 10 से 15 मिनट का जो समय रहता है ये काफी महत्वपूर्ण रहता है, और बहुत सारे स्टूडेंट जो है OMR शीट भरने में आधा आधा घंटा लगा देते हैं। इसीलिए मैं आप लोग को OMR शीट भी प्रोवाइड कराऊंगा, जिसने जो है प्रैक्टिस पहले से करके जाओ OMR शीट के ऊपर, एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो कुछ भी नया नहीं लगेगा आपको, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग घर से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। अगर आपकी लिखने की प्रैक्टिस बिल्कुल छूट चुकी है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन का आंसर आपने याद करा है कॉपी के ऊपर जो आपको उसे याद करके लिखना शुरू कर दो, या तो देखती उतारना शुरू कर दो, यानी कि
आंसर देखो और लिखना स्टार्ट करो, जिससे आपके लिखने की प्रैक्टिस बन जाए। मुझे पता है कि आप लोगों की प्रैक्टिस बिल्कुल खत्म हो चुकी होगी, तो उस प्रैक्टिस को आपको दोबारा से जनरेट करने के लिए जो आपको स्पीड अप करना ही पड़ेगा, अपने हैंडराइटिंग को अच्छा बनाते हुए साथ ही साथ पूरा पेज भरना ही पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि आप 3 घंटे में ही थक जाते हो, तो कहीं ना कहीं आपको मुश्किलों में डाल सकती है। अंत समय में कुछ क्वेश्चन आपका छूट भी सकता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर जब आपको मिलेगा, 15 मिनट आपके ओएमआर शीट भरने के लिए मिल गया, उसके बाद जब क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है टीचर्स की तरफ से, सबसे पहले आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा। आप सारे क्वेश्चन को आराम से देख लेना, पहले पढ़ लेना, टिक करना कि कौन से क्वेश्चन का जो है आंसर सबसे अच्छे तरीके से आ रहा, उसे जो आप पहले आंसर करना, ठीक है? अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर सीक्वेंस में या सीरियल नंबर वाइज ही जो है हम आंसर देंगे एग्जामिनेशन की कॉपी में, जरूरी है क्या ऐसा? तो जी नहीं, जरूरी नहीं है। मान लो कि 10 क्वेश्चन पूछे गए, इसमें से बोला गया कि आंसर एनी 5 क्वेश्चंस, आंसर एनी 6 क्वेश्चन, ठीक है? तो आप इसमें से पहले देखना कि कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे तरीके से आ रहा है। मान लो कि 3rd नंबर क्वेश्चन आपको पहले आ रहा है, थर्ड को आप अटेम्प्ट कर लो। उसके बाद मान लो कि आपको 5th नहीं आ रहा है, 6th आ रहा है, आप 6th भी अटेम्प्ट कर सकते हो। अब ऐसा नहीं करना कि 3rd वाला आ रहा है फिर हमको 8th वाला आ रहा है, तो इतना भी ज्यादा जंप मत करना। इससे जो होता है, जो चेकर होता है उसको थोड़ी सी दिक्कतें होती है चेक करने में, ठीक है? इसलिए कोशिश करना कि सीरियल नंबर वाइज में आप अगर कर पा रहे हो तो कर लो, अगर नहीं कर पा रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर आप जंप कर सकते हो। ऐसा नहीं, हैंडराइटिंग आपकी साफ सुथरी बननी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख दो जो दिखे नहीं। मैंने पहले ही आपको जो ये बता दिया। इसके बाद रही बात कि जो 3 घंटे का समय है उस बीच में आप टॉयलेट जा सकते हैं। पहले 1 घंटे तक आपको हिलने नहीं दिया जाएगा, बहुत जगहों पर हिलने दिया जाता है, मतलब बहुत सारे परीक्षा केंद्रों पर जो आपको बाहर जाने का मौका मिलता है। चीट पुर्जा आप लेकर के नहीं जाना, अगर लेकर के जाते हो तो वो आप अपने रिस्क के ऊपर लेकर के जाना, पकड़ाने का चांसेस रहता है। बाकी आपकी एग्जामिनेशन कैसी जा रही है ये जरूर बताना, एग्जामिनेशन दे करके जब घर को आना, ठीक है? तो ये चीज हो गई। अब कॉमर्स वाले स्टूडेंट जो प्रैक्टिकल और साथ ही साथ जो थ्योरेटिकल अटेम्प्ट कर रहे होंगे, उनके लिए एक महत्वपूर्ण चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि आप रेशियो रखो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन और थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आप रेशियो बना लो। रेशियो कैसे? तो 3 प्रैक्टिकल और 2 थ्योरेटिकल बनाओ, मतलब थ्योरेटिकल लिखो, या फिर जो है आप 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन और 3 थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिख के ही आओगे, ठीक है? या फिर अगर आपको नहीं आता है प्रैक्टिकल, कोई सा भी नहीं समझ में आ रहा, फिर आप थ्योरी के साथ जा सकते हो, 5 का 5 उत्तर जो आप थ्योरी के साथ दे सकते हो। मैथ्स ऑनर्स वाले भाई, आपकी सॉल्विंग क्वेश्चंस रहेगी, आपके वन लाइनर क्वेश्चंस भी जो होते हैं कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल्स खोज रहे होते हैं और थ्योरी में एक्सप्लेनेशन खोज रहे होते हैं, तो वो सब आप पहले से गेस्ट पेपर में देख लेना। फिजिक्स वाले स्टूडेंट, आपके भी थ्योरी और कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखने को मिलता है, मतलब फिजिक्स में भी कुछ ऐसे मैथ्स जो होते हैं जो कि आपको सॉल्व करने रहते हैं, उसके लिए आप गेस्ट पेपर और कहीं ना कहीं किसी टीचर से पढ़ाई कर ही रहोगे। इसके बाद रही बात जूलॉजी वाले जो पूछते हैं कि पेंसिल से हम डायग्राम बना सकते हैं, जूलॉजी या बोटनी वाले जिनके में बनता है डायग्राम वगैरह, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बना सकते हो, लेकिन पेंसिल थोड़ा गाढ़ा चलना चाहिए, ऐसा नहीं कि एकदम लाइट रहे, क्योंकि जब रशनिंग होती है एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर, मान लो आपने एग्जामिनेशन दे लिया, कॉपी जमा कर दिया, अब ये कॉपी जो है ट्रैवल कर रहा है, पहले तो आपके टीचर लेकर के गए एग्जामिनेशन रूम में पटका उसको, फिर वहां से उठ करके वो कोडिंग के लिए जाता है, कोडिंग के टाइम जब घिसता है तो पेंसिल का जो लिखावट है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे छिप रहा होता है, ठीक है? तो पेंसिल पॉइंट्स जो भी बनाओगे उसको हाईलाइट कर देना। लिखने का आपका तरीका क्या हो सकता है, जो जहां पे भी डिफरेंस बिटवीन कहा जाएगा, यानी कि 2 चीजों के बीच में डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले तो आप दोनों चीजों के बारे में एक्सप्लेन करोगे, उसके बाद उसका डिफरेंस का कॉलम बनाओगे, ठीक है? और फिर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके दोनों के बीच जो है अंतर स्पष्ट करोगे, ठीक है? ये चीज हो गई। और पेजेस का भी आपको ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो 4 to 5 पेजेस में आप देना। पेज मैंने आपको पहले ही बताया था, पेज नंबर 1 पेज नंबर 2 ऐसे करके रहेगा, तो 4 पेजेस इनफ है, 4 से 5 पेज तक एक क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। अगर नहीं आ रहा है आंसर, नहीं लिख पा रहे हो 5 पेजेस तक, तो आप 4 पेजेस ही लिख करके या 3.5 पेजेस लिख करके क्वेश्चन स्विच करना, क्योंकि जिस क्वेश्चन को आप छोड़ दोगे उसमें आपको आंसर नहीं मिलेंगे। लिखने पे मार्क्स है, नहीं लिखने पे कोई मार्क्स नहीं है, इसलिए टाइम लिमिट के साथ जो है अपना आंसर्स भी लिखते चलना। 22 पेजेस 26 पेजेस इनफ है, हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट 24 पेजेस 25 पेजेस तक जाते जाते थक जाते हैं। शुरू शुरू में जो 1 स्केलर की मार्जिन है वो छोड़ना, जब कॉपी फोल्ड कर रहे होगे, जब ये कॉपी फोल्ड करते हो तब थोड़ा सा यहाँ पे चोरी चलता है, मतलब थोड़ा ज्यादा स्केल की मार्जिन छोड़ करके आप अगला लाइन खींचना, जैसे कि कॉपी का पेजेस भी भरता रहे। अब ज्यादा ज्यादा स्पेस भी मत छोड़ देना, एक स्टैंडर्ड स्पेस छोड़ना, ठीक है? इस प्रकार से आपकी 22 पेजेस तो कम से कम कंप्लीट हो जाने वाली है। लेकिन जिनका प्रैक्टिकल है उनको मैं यही बोलूंगा, जो कॉमर्स वाले हैं,
अगर आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट कुछ भी खोलना है तो पूरा पेज लेकर के अच्छे से उसमें पूरा अकाउंट खोलना, और जो बोल्ड वर्ड्स में आप जो भी चीज लिख रहे हो, पीएनएल अकाउंट या जो सारा चीज भी लिख रहे हो वो सही से लिखना। जो फिगर्स लिख रहे हो वो विजिबल होने चाहिए, एकदम छोटा छोटा घुंसी घुंसी राइटिंग में मत लिख देना, घुन की तरह मत लिख देना, घुन छोटा सा होता है ना इसके लिए, ठीक है। तो ये सारी रही बातें, और आपको कुछ नया ट्राई नहीं करना है, आप लोगों के पास ऑलरेडी पार्ट टू का एक्सपीरियंस है। अगर आपने 32 पेजेस भरे हैं फिर भी आपको पार्ट टू में जो है 45 मार्क्स 50 मार्क्स ही आए हैं, तो ये काम बिल्कुल मत करना पार्ट थ्री में। आप 25-26 पेज तक भी लिखोगे आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन उसमें एटलीस्ट क्वेश्चन के ही आंसर्स होने चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी उठा करके इसमें डाल देना है, ठीक है। तो शुरू में यही देखना कि जिसके आंसर आपको अच्छे से आ रहे हैं उसका ही आंसर आप अटेम्प्ट करना, ठीक है। इससे ज्यादा आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपका फिर भी कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट कर लीजिएगा। वीडियो काफी लंबी हो तो गई है, लेकिन फिर भी मैं आपको लगभग चीजें जो कवर कराने की कोशिश इसमें किया हूँ, और हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी सी बना करके लिखना, मैं शुरू से ही कह रहा हूँ। और मतलब क्वांटिटी के साथ क्वालिटी ऑफ वर्ड्स और क्वालिटी ऑफ आंसर्स भी होने चाहिए, ये नहीं कि पन्ना का पन्ना भर दिया लेकिन उसमें क्वांटिटी कुछ है ही नहीं, ठीक है। मतलब आम, इमली, अमरूद जो भी लिख रहे हो थोड़ा सही से लिखना, और बिल्कुल ज्यादा पेज भरने के चक्कर में भी मत पड़ना। 22 से 26 पेज का आंकड़ा लेकर के चलना। आपका क्या सुझाव है ये भी नीचे बता दे चलना, आपने पार्ट टू में कितने पेज लिखे थे, कितने मार्क्स आए थे, ये जरूर बता दे चलना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए मैं चलता हूँ, धन्यवाद। आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा ओई मार्क शीट वाली वीडियो में। ओई मार्क शीट आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो तब तक के मैं चलता हूँ।